بسم الله الرحمن الرحيم चैप्टर चैप्टर नंबर 11 हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह क्लास में पढ़ाते हैं ना, वैसे ही स्लोली और डिटेल के साथ डिस्कस करें, ताकि आपको इजीली जो है ना वो समझ आ जाए इसकी। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है जी अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स के हवाले से। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका जी इंट्रोडक्शन में, ये दूसरी लाइन के एंड पे वर्ड लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, वाटर के डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स हैं वो बता दें। तो उसमें हम फिर ये तीनों क्लासें अल्कोहल, फिनोल और ईथर जो है ना, इसको वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये ऑक्सीजन और उसके साथ दो हाइड्रोजन हो तो ये वाटर है। अगर इन दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन की जगह कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए तो उसे अल्कोहल कहते हैं, और फिनाइल बेंजीन रिंग जो है या फिनाइल ग्रुप लग जाए तो उसको फिनोल कहते हैं। और अगर दोनों ही हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप्स वगैरह लग जाए, कार्बन लग जाए, तो उसको ईथर कहते हैं। तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वाटर से मिलता जुलता है, बस सब्स्टिट्यूट जो है ना, यानी दो हाइड्रोजन जो है ना इनकी रिप्लेसमेंट और ये चेंज हो रहे, इस वजह से इनको फिर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, उसमें अभी अल्कोहल, फिनोल और ईथर तीनों की बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एमसीक्यू हमारे पास आता है, ये आखिरी लाइन जो है ना वहां से स्टार्ट हो रहा है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड बेंजीन आर कॉल्ड अल्कोहल और फिनोल। ठीक हो, मतलब अल्केन, ये देखो ना, ये आर है ना, आर अल्केन ही थी ना, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटी तो वो अल्काइल ग्रुप बन गया, वो जो हाइड्रोजन हटी है उसकी जगह ये ओएच ग्रुप लग गया। ठीक हो, तो हमने कहा कि जो अल्केन का डेरिवेटिव हो गया कौन सा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हमने हाइड्रोक्सी का ग्रुप लगाया, तो इस वजह से ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हो गया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हो गया, इसको हम नाम देते हैं अल्कोहल। ठीक हो गया। और अगर इसी तरह ये बेंजीन थी, C6H6 बेंजीन थी, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप लगाया, तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन जो है उसको हम नाम देते हैं फिनोल का। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखना है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड अल्कोहल और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फिनोल। ठीक हो गया। पहले हमारे पास क्लास जो हम डिस्कस करेंगे जी वो है अल्कोहल की, कि अल्कोहल्स क्या होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह हमारे पास। फर्स्ट तो आपने कह दिया कि जो आर हाइड्रोक्सी ग्रुप जिनमें लगा हो वो आपके पास अल्कोहल की क्लास में आ जाते हैं, ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक मतलब एक ओएच ग्रुप रखने वाले, और पॉलीहाइड्रिक मतलब एक से ज्यादा ओएच ग्रुप रखने वाले ना, उनको पोली। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू हो सकता है, लेकिन बर पास पेपर वगैरह के हवाले से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज तक आया नहीं। ठीक हो, वो जरूर सख्त बनाया जा सकता है लेकिन पेपर में के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन वन ओएच ग्रुप, मोनोहाइड्रिक वो जिसमें एक ही ओएच ग्रुप लगा हुआ, और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल वह जिसमें दो तीन या ज्यादा ओएच ग्रुप लगे हुए हो। अब उसमें वो डाईहाइड्रिक भी हो सकता है, ट्राईहाइड्रिक भी हो सकता है, डाईहाइड्रिक मतलब दो ओएच ग्रुप वाले, ट्राईहाइड्रिक में तीन ओएच ग्रुप वाले, एंड सो ऑन। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिए ना,
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर के वाले से है, आप शायद एक्सरसाइज में भी है और मतलब पास पेपर के वाले में ये मेरे ख्याल सवाल एक आधा आया भी हुआ कि प्राइमरी सेकेंडरी यानी अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन बता दें या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के स्ट्रक्चर ड्रा कर दें। ठीक हो गया, तो जिस तरह हमने अल्काइल हैलाइड्स के स्ट्रक्चर ड्रा किए थे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड था, फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था, तो उसमें हम ऐसे कहते थे कि जी उसमें हेलोजन ग्रुप था, कि अगर हेलोजन ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो उसका नाम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो या अल्कोहल में हमारे पास है हाइड्रोक्सी ग्रुप, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो इसका नाम प्राइमरी अल्कोहल है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी कार्बन है कि आगे दो से जुड़ी हुई ना, तो सेकेंडरी कार्बन से अगर ओएच ग्रुप जुड़ा हो तो हम उसको फिर नाम देते हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी तरह अगर ओएच ग्रुप टर्शरी कार्बन से जुड़ा है जो आगे तीन से जुड़ी हो तो इसका नाम टर्शरी अल्कोहल हो गया। ठीक हो, तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जो है इनकी क्या क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं। ठीक हो, उसके बाद है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर नाम हम कैसे देते हैं। ए पहला है जी कॉमन या ट्राइवियल नेम्स। कॉमन नाम देने का तरीका एक जो है बेसिक वो यही है कि जो अल्काइल ग्रुप जो साथ जुड़ा हुआ है उसका जो नाम है, अल्काइल ग्रुप जो है जो जुड़ा हुआ है उसका जो नाम है वो लिख दें और एंड पे अल्कोहल लगा दें, उसको हम नाम देते हैं ये कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम है। जैसे ये CH3OH था तो CH3 ग्रुप को मिथाइल कहते हैं ना, तो OH साथ अल्कोहल हो गया तो नाम मिथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, इस तरह ये इथाइल अल्कोहल हो गए, ये आपके पास बेंजाइल, ये C6H5 बेंजीन होता है साथ CH2 ग्रुप हो गया ना, इसको नाम देते हैं बेंजाइल। ठीक हो, अल्कोहल हो गया बेंजाइल, मतलब ये जैसे ये बेंजीन है और इसके साथ यहाँ पे आपके पास CH2 ग्रुप लग जाए, यानी फिनाइल फिनाइल ग्रुप है उसके साथ CH2 है ना, तो ये पूरे को इकट्ठा नाम दिया जाता है बेंजाइल का। तो बेंजाइल ग्रुप जो है ये बेंजाइल हो गया, ओएच लगा तो अल्कोहल हो गया, बेंजाइल अल्कोहल इसका नाम हो। ठीक हो, तो जनरल नाम देने का तरीका ये है कि जो उसका चेन आपकी चेन है उसका जो नाम हो वो लिख के एंड पे अल्कोहल, जिस अल्काइल हैलाइड में हम यही करते थे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के जो ग्रुप था उसका नाम और एंड पे हेलोजन का नाम लगा देते थे, इस तरह यहाँ पे अल्कोहल का नाम लगा रहे। उसके बाद है जी IUPAC नेम्स, IUPAC सिस्टम में इसके क्या नाम आते हैं। जिस तरह आपने अल्काइल हैलाइड के नाम आपकी बुक पे लिखे थे बिल्कुल उसी तरह वही रूल यहाँ पे भी है। वो क्या है कि पहले तो ये सिंपल के नाम दे देते हैं फिर उधर चलते हैं चेन की तरफ। सिंपल में हमारे पास ये है कि जैसे ये ए कार्बन है इसको मीथेन कहते हैं ना, ए कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो मीथेन के एंड से ई को हटा के अल्कोहल का ओएल लगा देते हैं। मतलब हमारे पास ये है ये मीथेन है। ठीक है, तो मीथेन के एंड पे ये जो ई है इसको हमने हटा दिए, उसकी जगह ओ एल लगा दिए, तो उसका नाम बन गया ए कार्बन वाली जो अल्कोहल है उसका नाम मैथानोल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, तो प्रोपेन से प्रोपानोल हो गया, पेंटेन से पेंटानोल हो गया, एंड सो ऑन। अच्छा, अब चेन में क्या करते हैं कि जब लॉन्गेस्ट चेन हो तो फिर हजार बात, हमने पहले स्टेप होता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, आपने कर लिया नंबर एक। नंबर दो पे अब ये जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है ना उसके अंदर वो कार्बन जिससे ओएच ग्रुप जुड़ा हुआ है वो शामिल होनी चाहिए। ठीक है, उस कार्बन को आप स्किप नहीं करेंगे, वो उसमें चेन के का हिस्सा होनी चाहिए, वो वाली कार्बन जिससे ओएच ग्रुप जुड़ा हुआ है। मसलन मैं मिसाल दूं, आप जैसे ये एक
अच्छा अब ये देखिए, ये आपके पास चेन है, ठीक हो, इसको आप जरा देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन लो तो 1 2 3 4 5 बनती है, 1 2 3 4 OH ग्रुप की तरफ जाऊं तो 4 है, और दूसरी तरफ वो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट ये बनती है। लेकिन जिस तरह आपको याद हो एल्कीन में हम करते थे कि डबल बॉन्ड वाली जो दो कार्बन थी उसको हम चेन के अंदर शामिल करते ही करते थे, चाहे कोई और लॉन्गेस्ट चेन क्यों ना बन रही हो, तो उसी उसी तरीके पे उसी रूल के ऊपर अब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ओ एच ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो चेन के अंदर आएगी आएगी। तो 1 2 3 4 कर लें या 1 2 3 4 कर लें, यहां से आपने ये वाली जो कार्बन है ओ एच के साथ वाली ये आपने शामिल करनी करनी है, ठीक हो गए। तो अब उसके बाद ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, फिर नंबरिंग करेंगे तो आपने वही तरीका जो पहले था कि ओ एच ग्रुप जिस एंड से करीब होगा, जिस तरह डबल बॉन्ड अल्कीन में कहते थे कि डबल बॉन्ड जिस एंड से करीब है उसको ब्रांचों को नहीं देखना, डबल बॉन्ड को देखना। सर अगर ब्रांच में ओ एच साथ हो तो फिर नीचे ब्रांच है जो उनसी इथाइल के साथ अगर ओ एच हो। इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ। नहीं, एक ही इधर लगाओ इथाइल पे। अच्छा आप ये कह रहे कि मतलब नीचे इसकी जगह ऐसे हो। जी सर। अच्छा तो उसमें फिर ये है ना लॉन्गेस्ट चेन, तो फिर आपकी यही बन गई, तो 1 2 3 4 5 बस यही वाली चेन आ जाएगी, वो आपकी ब्रांच बन जाएगी। वो मैंने एग्जांपल इसलिए दी थी कि लॉन्गेस्ट चेन तो दूसरी बन रही थी ना, ओ एच वाला नहीं आ रहा था उसमें, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दी ये समझाने के लिए कि हमने ओ एच को प्रेफरेंस देनी है, उस वाली कार्बन को शामिल करना ही करना, ठीक होगा, दूसरे को नहीं करेंगे, ठीक हो गए। अच्छा अब नाम देंगे तो आप इसमें यही ये वाली वो कार्बन जो ओएच वाली ये नंबरिंग 1 2 3 4 और दार बाद एंड ये वाला इस साइड से करीब होगी तो ये वाली नंबरिंग आ जाएगी आपकी, ठीक हो गई। अच्छा 1 2 3 4 करेंगे तो 2 पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूट आपके पास आ गया, आप इसका नाम जब देंगे तो लिखेंगे कि 2 और इथाइल आ गया, ये उसका ब्रांच आ गई। अब वो ब्रांच के बाद अब 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं ना, तो ब्यूटेन से अल्कोहल को हम ई हटा के जिस तरह यहाँ ओएल लगाया तो ब्यूटेन से ब्यूटानोल बन जाएगा, ठीक हो। तो 2 इथाइल ब्यूटानोल है, लेकिन उस ओल में हमने जिस तरह अल्कीन में हम करते थे ना ब्यूटीन या पेंटीन कोई भी बोलते, तो फिर हम डबल बॉन्ड की पोजिशन भी बताते थे, उसी तरह ओएच की भी पोजिशन हमने बतानी, तो ये सब तो पहली कार्बन पे है, तो यहाँ पे आपने 1 लगा के 2 इथाइल 1 ब्यूटानोल इसका नाम हो जाएगा, ठीक होगा। तरीकेकार वही जो पहले हम करते थे कि सिर्फ पहला कैपिटल है बाकी सारे छोटे हैं, और ये डैश और का अपने ख्याल रखना है, या अगर 2 नंबर इकट्ठे हो तो कॉमे वगैरह लगा लेते हैं, तो इसका इस कंपाउंड का आपका नाम बन जाएगा जी 2 इथाइल 1 ब्यूटानोल, ठीक हो गई। अब हमारे पास ये उसने दिए हैं पॉलीहाइड्रिक ना अल्कोहल जो है एक से ज्यादा ओ एच ग्रुप हो तो उनके नाम कैसे, इसमें भी यही और नंबरिंग करूं तो जिधर से मर्जी 1 2 कर लो, ये 1 ये 2 रख लो या ये 1 ये 2 रख लो, क्योंकि दोनों में ओ एच है एक ही बात है, तो इसका नाम हम देंगे 1 2 इथेन डाईओल हो जाएगा, 1 2 इथेन 2 कार्बन है ना, इथेन हो गया, 2 OH है इसलिए डाईओल हो गया, और 1 2 पोजीशन 1 के ऊपर और 2 के ऊपर इसलिए 1 2 इथेन डाईओल, या इसका दूसरा नाम जर्नल आपने 8वें चैप्टर में भी पढ़ा था ग्लाइकोल इसको कहते हैं। इसी तरह 3 कार्बन वाला है तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल हो गया, ठीक हो गया, और इसका जर्नल नाम था ग्लाइसिरोल, इसका 3 OH वाले को ग्लाइसिरोल बोलते हैं। पीछे तो बात नहीं हुई इससे, ये हमने गालबन 14वें चैप्टर में ना इसकी डिस्कशन थोड़ी सी आई थी ग्लाइसिरोल की। अच्छा जी उसके बाद है जी चौथा पॉइंट है, चौथा और पांचवा मतलब मिक्स हो रहा है कि ओएच ग्रुप भी है फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो, मतलब जैसे यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, ठीक हो, यानी अनसेचुरेटेड अल्कोहल्स है, ठीक हो। तो वो कहते हैं इस केस में अगर डबल ओएच ग्रुप भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो आपने ओएच ग्रुप वाला जो है ना उसकी तरफ से आपने देना है,
ये ना मैं पढ़ अनसैचुरल अल्कोहल्स आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप रादर देन द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेट गेट्स द लोअर नंबर। यानी हमने ओएच ग्रुप को ही प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को नहीं देखना कि डबल बॉन्ड किस तरफ से करीब है उधर से नंबरिंग आए, ये नहीं देखना हमने, जिस तरफ से ओएच ग्रुप करीब हुआ उधर से नंबरिंग आपने देनी है। ठीक हो, अब यहाँ पे जैसे ओएच ग्रुप मेरा यहाँ से इस तरफ से करीब है तो ये नंबर वन कार्बन बन गई, और नंबर टू थ्री फोर, हाँ अल्कीन का पोजीशन तो बताएंगे, जैसे चार कार्बन होंगे तो टू ब्यूटीन हो गया, ये टू जो है वो डबल बॉन्ड को बता रहा है, और वन ओल हो गया कि पहले नंबर पे अल्कोहल का ग्रुप लगा होगा। ठीक हो, तो टू ब्यूटीन वन ओल इसका नाम हो गया। इसी तरह अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इकट्ठे आ गए, अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप एज इन हाइड्रोक्सी एसिड अल्डिहाइड्स आर कीटोन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए या अल्डिहाइड आ जाए या कीटोन के फंक्शन ग्रुप आ जाए तो फिर ओएच ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, फिर वही वाले ग्रुप जो हैं उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक हो गए, अब जैसे यहां पे ये कंपाउंड आपके पास है जिसका जनरल नाम लैक्टिक एसिड है, नंबरिंग करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन है वो प्रेफरेंस ले रही है, वो नंबर वन आएगी, ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, और दूसरी नंबर पे ओएच ग्रुप लगा हुआ है तो वो पोजीशन बन गई कि टू हाइड्रोक्सी है और तीन कार्बन को प्रोपेन से प्रोपानोइक एसिड बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया टू हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, या इसका दूसरा नाम आपके पास है लैक्टिक एसिड का। उसके बाद है टू थ्री डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन वन फोर डाईओइक एसिड। अब देखो ना ये एक दो तीन और चार, एक इसको वन रख लें या नीचे वाले को वन रख लें एक ही बात है, तो वन टू थ्री फोर, वन पे भी है और फोर पे भी है, और टू पे ओएच ग्रुप है और थ्री पे भी ओएच ग्रुप है, तो इसलिए टू थ्री डाईहाइड्रोक्सी हो गया। चार कार्बन को आप ब्यूटेन कहते हैं और वन फोर डाईओइक एसिड हो गया, ओइक था एसिड के लिए तो ओइक एसिड लगाते हैं, लेकिन चूंकि दो थे तो इसलिए डाई ओइक कर दिया, और वन फोर का मतलब कि पहली पोजीशन और चौथी पोजीशन के ऊपर एसिड के फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये वन फोर डाई ओइक एसिड हो गया। ठीक हो गया, जिसके इस कंपाउंड का जनरल नाम टार्टरिक एसिड भी है। पास पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके सवाल आए हुए, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड, ये ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिरोल, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोल, इनके स्ट्रक्चर्स शॉर्ट क्वेश्चन में पास पेपर्स में आए हुए। ठीक हो गई, उसके बाद हमारे पास है ये उसने जनरल नाम देने और आईयूपीएसी नेम दिए, जैसे ये वाला इस पूरे फंक्शनल ग्रुप का नाम आइसोप्रोपाइल भी है ना ग्रुप, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी नाम है, और वैसे दें तो वन टू थ्री दूसरी पोजीशन पे ओएच है तो टू प्रोपानोल इसका नाम हो गया। ये कंपाउंड है ना जो आपका ये सैनिटाइजर बनाते हैं, तो आपने सुना होगा सैनिटाइजर जो बनाते हैं उसमें ग्लाइसरीन और ये अल्कोहल और पानी वगैरह मिक्स करके तो बना रहे होते हैं, उसके अंदर ये वाली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है या एथेनॉल वगैरह मिक्स करते हैं, तो ज्यादातर वैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ना इसको एक नाम भी देते हैं ना आईपीए भी बोलते हैं, सैनिटाइजर की एब्रिविएशन की जबान में ना आईपीए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये उसमें सैनिटाइजर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जी मुख्तलिफ कंपाउंड्स के नामेंक्लेचर इसने दिए हैं, या आप इसको देख लीजिएगा, तो जो इसकी एक्सरसाइज में भी सवाल हम हैं ये ना नॉमेनक्लेचर के स्ट्रक्चर दिए हुए, हमने नाम लिखने और ये नाम दिए हैं तो उनके स्ट्रक्चर लिखने, तो उसकी आप ट्राई कर लें, जो ना क्वेश्चन समझ आए जो स्ट्रक्चर तो वो फिर आप कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मंडे को तो उसमें फिर डिस्कस कर लेंगे उस स्ट्रक्चर को, भी ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं सॉल्व हो रहा था उसको। उसके बाद हमारे पास है जी प्रेपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स को इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें फर्स्ट हमारे पास ये आता है मैथानोल, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट जो दो अल्कोहल की हमने प्रेपरेशन की डिस्कस करना है, एक मैथानोल करेंगे एक आगे एथानोल करेंगे जो आपकी बोरोन
बुक पे सिलेबस में दिया हुआ है। तो अच्छा, इसमें ना एक चीज और मुझे याद है, स्मार्ट सिलेबस मैंने चेक नहीं किया इसका, तो उसमें टॉपिक्स आपकी ये शामिल हैं भी कि नहीं है। है सर, ऐड है ये टॉपिक, ये हाँ जी, टॉपिक जी प्रेपरेशन वाला है और पिछला भी था। सर, जी सर, अच्छा, चलो ठीक है, अभी डिस्कस कर लें, फिर जी मैं सर, बाद में देख लेते ये हैं उसे। लॉन्ग क्वेश्चन है सर, कौन सा, ये प्रेपरेशन ये लॉन्ग वाला? क्वेश्चन है जी, नहीं नहीं ये प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल, वैसे पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया आज तक। बनाने को तो बनाया जा सकता है, उसमें फिर आप ये रिएक्शन भी लिख देंगे, ये डायग्राम का भी स्केच सा बना देंगे, और ये नीचे इसी डायग्राम को ना एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे कैसे उसको बनाते हैं, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन कर दें तो लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन पास पेपर में वैसे आज तक ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक हो, आपके नोट्स में भी मैंने ये ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको बनाया हो तो फिर उसमें हेडिंग शेडिंग दी होंगी, चेक कर लेते हैं। हाँ ये दी है, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ मेथानॉल की दिया हो, और एक सवाल बनता है एथानॉल का भी बनता है, वो ये ऊपर दिया हो, दिए हैं ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा अब इसमें ना ये जैसे आप इधर से चलो देख लेते हैं, ये जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है, समझाओ उधर से देता हूँ फिर यहाँ नोट्स पे बात कर लेते हैं। अच्छा इसमें एक तो हमारे पास ये आपका एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है कि जो मेथानॉल है ना, ये वाज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड, जो वुड है ना उसकी डिस्टिलेशन करके उससे हासिल किया गया था फर्स्ट टाइम, तो उस वजह से इसको वुड सिपरेट भी बोलते हैं। तो ये वुड सिपरेट का एमसीक्यू आया हुआ था कि मेथानॉल इज आल्सो कॉल्ड, कि मेथानॉल को ये भी कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन हमारे पास थी वुड सिपरेट की। ठीक हो, तो ये एमसीक्यू ये वाला पास पेपर में आया हुआ। अच्छा उसके बाद अगर ये शॉर्ट, ये तो एमसीक्यू तो आया है ना, अगर यही शॉर्ट क्वेश्चन बना लिया जाए कि मेथनॉल को वुड सिपरेट क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर आपका ये पिछली लाइन हो गई कि सबसे पहले मेथनॉल को वुड की डिस्टिलेशन से हासिल किया गया था, बनाया गया था, इस वजह से इसको वुड सिपरेट का नाम दिया जाता है। बाकी इंडस्ट्री लेवल पे हम क्या करते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों गैस का जो मिक्सचर, इसको वाटर गैस भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है ऊपर, कार्बन मोनो एंड हाइड्रोजन आर वाटर गैस, इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को वाटर गैस का नाम भी देते हैं। तो कार्बन मोनो और हाइड्रोजन गैसेस, दोनों गैसेस के मिक्सचर को हम पास करते हैं कैटलिस्ट से, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट है, 450 डिग्री सी टेम्परेचर और 2800 एटीएम प्रेशर के ऊपर, तो हमारे पास मेथनॉल बन जाता है, ये इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। अच्छा इसकी डायग्राम में आप यही चीजें, इसको जरा अपने लफ्जों में, जरूरी नहीं इसी तरह जैसे डायग्राम बनी ऐसी ही आपने बनानी है, आप खुद से भी स्केच बना सकते हैं, बस प्रोसेसेस को तरतीब से बताया हो, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई है डायग्राम, कि वही सारे प्रोसेस बताए इस तरह बॉक्स के अंदर, इसे बोलते हैं फ्लो शीट डायग्राम, फ्लो शीट डायग्राम के, जिसमें मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को नॉमिनेट किया गया है कि पहले स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और प्रोडक्ट कहाँ पे जाके बनता है। तो पहले क्या करते हैं जी, कार्बन मोनो और हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास है वो लेते हैं। अच्छा यहाँ पे अब इसकी प्रेपरेशन नहीं लिखी हुई, आप चाहें तो इसमें ना शामिल कर सकते हैं, रिएक्शन में यहाँ लिख देता हूँ आपके नोट्स पे कि ये कार्बन मोनो और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है वो कैसे बनाया जाता है ना, मतलब दोनों को मिक्स किया जाता है या क्या करते हैं, तो रिएक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना मीथेन गैस होती है CH4 ना, तो मीथेन गैस का रिएक्शन करवाते हैं स्टीम के साथ, ठीक है,
स्टीम से मैं आगे शो कर देता हूँ ऐसे गैस की शक्ल में ना, कि गैस से मुराद स्टीम है, कि मीथेन जो है उसको स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है ये एक जो प्रोडक्ट है वो यही दोनों जो आपकी ने लिखी हुई यही दोनों गैसेस बन जाती हैं, यानी कार्बन मानो बनती है प्लस H2 गैस बन जाती है। देखो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं चाहे इसके आगे कि जो कार्बन वाटर गैस जिसे आप बोल रहे हैं वो वाटर गैस बनाने का ये तरीकेकार है कि मीथेन तो गैस ही होती है, उसको वाटर गैस का मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करवाया है और स्टीम से रिएक्शन की वजह से वो हमारे पास ये वाटर गैस बन जाता है और उसको फिर आगे हम यूज करते हैं अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए। अच्छा अब ये आपके पास जो वाटर गैस आ गया उसको पहले हमने गैस प्योरीफायर से पास किया, गैस प्योरीफायर का मतलब मकसद सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ना उनको रिमूव करना, कि अगर कोई उसके अंदर डस्ट पार्टिकल या कोई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इस रिएक्शन को रोक सकती हैं तो उसको फिर हम पहले यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे गैसेस की आ रही है हमारे पास तो गैसेस ही आगे जाके गैसे अभी अव्वल तो हम कोशिश करते हैं मीथेन भी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए, वाटर भी सारे का सारा कन्वर्ट हो जाए, वो बचे हुए ना हो, HCO और H2 ही पूरी की पूरी आए, ना मीथेन आगे पहुंचे ना वाटर आगे पहुंचे। क्योंकि अगर ये गैसेस भी इनके साथ आती है ना तो जब वो कैटलिस्ट पे पहुंचती है ना तो कैटलिस्ट अगर आप इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ ना कैटलिस्ट वाले एक्शन को, तो कैटलिस्ट का एक्शन कुछ इस तरह का होता है कि सपोज करें ये जैसे आपके पास है ये कैटलिस्ट है ठीक हो, कैटलिस्ट की सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर इन मॉलिक्यूल्स ने जाके अटैच होना है, ठीक है अटैच होना है और रिएक्शन में इन्वॉल्व होना है दूसरी चीजों के, यानी कैटलिस्ट का काम ये है कि इन इनको गैस के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करे और फिर इनका आपस में रिएक्शन करवा के आगे प्रोडक्ट में बदल दे। लेकिन अगर इसके साथ और इम्प्योरिटीज आ गई या कोई दूसरी गैसेज आ गई तो वो आगे पहले ही यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी, तो फिर कैटलिस्ट की जो वो साइड्स हैं वो जगह हैं जहाँ पे जाके इन इन रिएक्टेंट्स ने जाके जुड़ना है और प्रोडक्ट में बदलना है वो जगह अवेलेबल ही नहीं रहेंगी, क्योंकि वो जो इम्प्योरिटी वाली गैसेज हैं वो जाके उन जगहों को पहले फिल कर लेती है, तो कैटलिस्ट की फिर जो कैटालिटिक पावर होती है वो या तो बहुत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो फिर हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो हो जाता है या बिल्कुल ही रुक जाता है। तो इस एक कैटलिस्ट को कैटालिटिक पावर को यानी अच्छा रखने के लिए या एक्टिव रखने के लिए हमें इनको प्योरीफाई करना पड़ता है। तो जब ये गैस प्योरीफाई हो जाती है उसके बाद ये पहुंचती है जी कंप्रेसर पे, कंप्रेसर का मकसद हाई प्रेशर, ये जो आपने लिखा ना 200 ATM प्रेशर वो यहीं पे दिया जाता है, कंप्रेसर की मदद से हम इन गैसेस को 200 ATM प्रेशर देते हैं और प्रेशर का मकसद यही है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, देखो ना कार्बन मानो भी गैस है हाइड्रोजन भी गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल जितने करीब होंगे उतने उनके आपस में रिएक्शन करने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रोडक्ट में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए इनको कंप्रेस करके हाई प्रेशर दे के आगे कैटलिस्ट जो टावर है उसके अंदर भेजा जाता है। अब वहां पे ये जो कैटलिस्ट के मौजूद होते हैं उनको हाई टेम्परेचर हमने पहले से दिया होता है, इस टेम्परेचर का फायदा ये होता है कि वो इन गैसेस के जो पुराने बांड है उनको तोड़ने में वो हेल्प करता है, पुराने बांड टूटते हैं तो नए बांड बड़ी आसानी से बन जाते हैं और हमारे पास जो है ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करके मैथनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गए। अच्छा वो जो मैथानोल बन के अब यहाँ पे ये इस चैम्बर से जो आउटलेट है उसके अंदर मैथानोल भी है प्लस वो कार्बन मानो और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स भी हैं जो अभी तक मैथानोल में कन्वर्ट नहीं हुए, अभी वैसे ही आगे मूव कर गए हैं। तो यहाँ पे जब आप कंडेंसर में ठंडा करते हैं तो इस ठंडे में अगर आप कंपेयर करें ना कार्बन मानो के बॉइलिंग पॉइंट को, हाइड्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट को और मैथानोल के बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है बस मेथनॉल इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें ना, तो जो मेथनॉल है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री सी, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका है 65 डिग्री सी, और ये जो कार्बन मानो हाइड्रोजन ये गैसेज है इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत नीचे है माइनस में जाके है, इसलिए जब आप ठंडा करेंगे तो आपका जो मेथनॉल है ना वो पहले कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है कार्बन मानो और हाइड्रोजन के, तो इसलिए मेथनॉल बड़ी आसानी से आप वो लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में आ जाता है, उसको हम अलग कर लेते हैं
और जो गैसेस अनरिएक्टेड बच जाती हैं उनको दोबारा हम ये रीसर्कुलेशन पंप के जरिए दोबारा वापस कंप्रेसर में भेज देते हैं, वहां से वो दोबारा भेजी जाती है कैटालिटिक टावर में, और इसी तरह ये प्रोसेस चलाते रहते हैं जब तक वो सारी इस्तेमाल नहीं हो जाती। तो यही चीज यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की हुई है, इसी को अपनी वर्डिंग में आप सारे को एक्सप्लेन कर लेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है अगर आए तो, लेकिन पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आज तक नहीं आया। हाँ शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है, उसमें ये कि राइट द डायरेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैथनॉल फ्रॉम वाटर गैस, के वाटर गैस से मैथनॉल बनाना है तो कैसे बनेगा, उसलिए हम ये रिएक्शन सारा लिख देते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बन जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता कि वैसे ये सवाल नहीं आया। ठीक होगा जी, चलें आज का इतना काफी, बस करते नहीं, वे टाइमिंग भी इसकी क्लास की वो जो है ना जूम की होती 40 मिनट से ज्यादा नहीं चलती, तो वो भी ऑफ होने वाला, तो यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको यहीं से स्टार्ट कर लेंगे।